देखिए यहाँ पे सदिश बीज गणित संबंधी दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक में कह रहा है कि कुज्या ज्ञात कीजिए और दूसरे में कह रहा है कि सिद्ध करो कि यह संरेख। दो प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है जो एनसीईआरटी पैटर्न पर है और पेपर में कई बार रिपीटेड है। समझे, यहाँ पे कह रहा है कि सदिश आई कै प्लस टू जे कै प्लस थ्री के कै की दिक कोज्याएं ज्ञात करो। यहाँ पे आपको दिक कोज्या क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। समझे, यहाँ पे देखो दिक कोज्या निकालना होता है तो मान लो ध्यान देना यहाँ पे कि दिक कोज्या निकालते होता कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। तीन प्रकार से कोज्या निकालते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कास अल्फा बराबर सूत्र होता है कि आई का गुणांक बटा में यहाँ पे पूरा जितना दिया है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप का मापा। ऐसे में यहाँ पे जब इसको हल करेंगे, देखो आई का गुणांक कितना लिखा है यहाँ पे, है यहाँ पे नहीं है, तो आई गुणा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ध्यान देना है सूत्र होता है कॉस अल्फा, अगर यहाँ मान लो ए दे देता है, मान लो सपोज ए बराबर दे दिया तो मानेंगे कि ए ए का मापांक लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ दिया नहीं तो इसे पूरा मान लिखा यहाँ पे कि आई का गुणांक बटा पूरे का मापांक। आप देखो ये बताओ कि यहाँ पे अगर देखा जाए आई का वर्ग एक होगा, यहाँ पे इसका मापांक आई का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे ये किसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा बोलिए, आई गुणांक वन हो जाएगा, वन दो चार हाँ चौदह हो गया, आपका पहला आंसर आ गया चौदह। इसी प्रकार से कॉस बीटा निकालोगे तो कॉस बीटा बराबर होता है जे का गुणांक, जे कैप का गुणांक पूरे का बटा आपका मापांक, यहाँ पे कॉर्डी में आई का वर्ग प्लस टू जे कै प्लस थ्री के कै। इसका भी क्या करेंगे यहाँ पे हमें निकालना है मापांक। अब देखो जे का गुणांक कितना है, दो है, यह क्या हो जाएगा दो बटा में यहाँ भी कितना मान आ रहा था चौदह, एक का बार एक, दो का बार चार, तीन का बार नौ, कितना आ जाएगा चौदह आ जाएगा। उसी प्रकार से कॉस गामा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, के का गुणांक तीन हो जाएगा, अपा डाल कर दे रहा हूं, इसका मापांक निकाल कितना आएगा चौदह आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा एक बटा कॉर्डी में चौदह, दो बटा कॉर्डी में चौदह और तीन बटा कॉर्डी में चौदह, ये क्या हो गया एक कोज्या हो जाती है। आगे समय आप चेक कर लीजिए आपका आंसर भी आ गया होगा। एक और मैं प्रश्न लिया हूँ कि सिद्ध करो कि दर्शाइए या सिद्ध करो कि यह संरेख है। संरेख सिद्ध करने के लिए आपको याद होगा मैंने सारणी पढ़ाया था, आप भी पढ़ाया था, जस्ट क्वेश्चन यहाँ पे उसी हल करना है, एकदम जो आप भी को सवाल लगा देते या सारणी लगा देते एकदम जस्ट यही पे सब सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करेंगे, दो ऐसे काला बना देंगे, याद होगा आप लोगों को, यहाँ क्या लिखेंगे आई जे के, लिख दिया आई गुणा कितना यहाँ पे दो माइनस तीन और यहाँ पे कितना हो गया चार। मान लेते हैं कि यह ए वेक्टर बराबर है, नहीं मानते डायरेक्ट लगा सकते हैं, मान लो ए वेक्टर, मान लो यह ए वेक्टर के बराबर है और यहाँ पे किसके बराबर है बी वेक्टर के बराबर है। देखो अगर संरेख सिद्ध करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का गुणा, अगर शून्य आएगा तो संरेख हो जाएगा, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, अगर जीरो आएगा तभी क्या होगा, वो शून्य संरेख होगा। बी गुणांक कितना है माइनस चार है, इसका गुणांक कितना है छह है, इसे कितना है माइनस, जब आप आई को लेंगे तो आई क्या हो जाएगा छूट जाएगा, आठ त्रिके चौबीस, अच्छा चौका चौबीस, जब जे को लेंगे जे क्या हो जाएगा छूट जाएगा, आठ दो के सोलह अच्छा चौके सोलह, जब के को लोगे के क्या हो जाएगा छूट जाएगा, छह दो के बारह और चार तिहाई बारह, आप देखो घटाओ चौबीस और जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो कितना आ गया जीरो, अतः क्या है संरेख है। ऐसा में